देख रहे हैं फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंकू। दोस्तों बने रहिए फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल पर, बजाते रहिए फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए लेटेस्ट प्रस्तुति लेके आए हैं और इसी तरीके लेके आते रहेंगे। दोस्तों हमारे नए रिश्तेदारों से अनुरोध है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। देखते रहिए फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। सही कहो बाबा, जब सो जाओ तो कहाँ दिखाई, क्या बताया। और बाबा यहाँ बात और बताओ, जब हम कहो के जाए थे तो हमारे हाथ पाए आगे पीछे काहे हुए थे। बेटा जाए जब तू चलता है हाथों द्वारा तेरी गति होती थी, चाल रहती। कहाँ कहो बाबा, तेरी गति होती मतलब यानी चलता तेरी गति होती, हाथ आगे बढ़ते पीछे बढ़ते तेरी चाल बढ़ती। अच्छा मतलब गति का मतलब चाल बढ़ती। हाँ वाह बाबा, बहुत बढ़िया बताओ बाबा। यार बात और बताओ, बोलो कि जब हम पैदा नहीं बन पा तब कहाँ रहे। बड़ा अजीब इंसान मिला हमको भाई। जब तू पैदा नहीं हुआ था
तो बेटा तुमने माँ के पेट में खाया। बाबा जहित कहता है तुम नकली बाबा है। अब तू बता था मुझसे जाने तो जब पैदा ले बनना तो कहाँ रहे कहाँ था तू। हम अपने बप्पा के प्यार में रहे। बड़ा अजीब इंसान है। अरे अपने बाप के पेट में था। बप्पा के पेट में कैसे बप्पा के पेट में रहे मस्तक में चढ़े रहे। अच्छा मस्तक में चढ़े रहे और उसके बाद हमारे बप्पा 8-9-10 साल के थे। तो बप्पा के नसल जब कोने कोने से टाइट कर दे तो हमारे बप्पा बउरा उठे। अरे राम राम। फिर उसके बाद हमारे बप्पा भी जो यदि कहीं भूले ना उनका बाप वहां सर ज्यादा परेशान न करी। फिर चुप्पे ची आग बैठ गई। अच्छा जब करीब 18 साल के भे तो हमारे अम्मा बप्पा का बड़ा बिहार। अच्छा तो क्या हुआ बिहार हुआ उसके बाद फिर स्वागत बतला लागे तो हम बप्पा के प्यार में सर अम्मा के प्यार में हाथ बेटा तू से मैंने मालूम है इससे पहले तू मेरे पास था। तुम्हारे पास हाँ तू मेरे अरे बहुत बाबा तुम बाबा असली आयु मेरे हम तुमसे पूछा ठीक मैंने बाबा बैठे बाद करीब 4-5 महीना चेयर बैठ रहे। अच्छा और जब पचवा छठवा महीना लाग सतवा महीना तो अम्मा की नसल टाइट कर दे तो अम्मा हमारे पकड़ के पेट बैठ जाए। बाद 9 महीना बीते 10वां महीना लगते खरी हम बाहर हो गए। अच्छा तू मेरे काबिल है। बाबा हमारी बात बता नहीं पाओ तुम कहा इससे पहले तू मेरे पास तुम्हारे पास अरे साधु मैं साधु समझा रही हूँ इसको जाऊँ भजन कर सकता हूँ हमका बिल्कुल। अरे चलो फुसो बाबा इनका भसम कर दे मेरे अभी खजली पैदा कर दूंगा। अरे चलो मैं बाबा देखा है यहाँ के बात नहीं बता पायो तो हमारे खजली पैदा करियो नहीं मानेगा शक्तिगुरु महाराज की जय। हमका लागे तो बाबा के नाम के कुछ साहिब भैया खजूरी हमारे शुरू हो गया बाबा अब हम जान गए तुम असली बाबा हो बिल्कुल तो हमका पर चेला बना लो हमका चूहे घोस दिया पर जाओ उसे कहते हैं चेला। हाँ बाबा तुम हमका पर चेला बना लो कोई नहीं बाबा तुमका भजन सुनाई बाबा मैं तो मछली को खाते हुए हो मछली नहीं नहीं दारू पिया था कुछ नहीं कुछ नहीं खा केवल अन्न खाता हूँ अन्न नहीं दाल चावल रोटी और कुछ नहीं खा फल वगैरह खा लेता हूँ फलो खा हाँ क्यों नहीं बाबा तुमका हम भजन सुने तो कहा तू असी नहीं जगह और पीने का और कल्याण मछली खाई के आधा पाव पी। अरे कलिया मछली खाएगा आज पाव पीगा मेरे साथ रहेगा नहीं कलिया जाने कौन कलिया है क्रोध। अच्छा आदमी को कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए हाँ? इसलिए तो जो कोई क्रोध करता है वो भस्म हो जाता है। सही कहते हो और मछली है माया हाँ? कहा तो माया चक्कर में न पड़ो जिंदगी भर कमाते रही हो कबो पूरे न पड़ो जी कहते और पी ले जो कौन चकमा हुआ है मात पिता की सेवा कर ली उतने बड़ी सेवा नहीं है। ठीक है बेटा ऐसा है तू भजन मत सुना मुझे अब तू यहाँ जा थोड़ा विश्राम कर लूँ मैं आराम कर लूँ आराम कर लो आराम करने की आवश्यकता है चलो आराम करो बैठो भी आओ दोस्तों घर बैठे बाबा जंगल में देखे विश्राम राम की जाप करते हैं और घर छोड़ा सागर दोनों आगे पहुंचते हैं और सागर की नजर बाबा में पड़ती है और जोर से जगह के क्या कहते हैं आपने कुछ देखा मैंने तो देखा उस सामने मात्रा बैठी हुई है इसलिए हम
ठाकुर जी आप से कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं सर से कहो।
मरते वो तेज बिजली की बात साला
चुके हैं, बीरपुर गांव में हमारा काल पैदा हुआ है, एक एक बच्चा छीनकर हम दोनों दोस्त मां खत्म कर देंगे। विजयपुर के नगर वासियों पूरा हो गया नौजवान काम खोल कर सुन लो, आप जितने बच्चे हैं जितना बच्चा हमारे काल है हमारे काल को हवाले कर दो, अन्यथा हम गेट में बैठ देंगे साले। ठीक है दोस्त, कब से जिंदगी साहित्य हो दो शरण दोस्त, आइए चलते हैं विजयपुर के नगर वासियों वाकिफ नहीं हो, अरे वाकिफ लाया तुझको मेरे झूठ से, अरे तुझको नहला दूंगा शायद तेरे ही खून से, शेर है सागर सिंह का ऐलान और फिर मिलेंगे अगले ब्रंच को सर आराम कर और सोम हम सोचे नए पापन सत्य पूछल और इनके चेला बन जाओ हम उपाय करे लाग, लेकिन बाबा ही ये मर गए तो बाद में बाबा के लिए चली थे इनके बने समाज और इन्हीं पर हम राम राम कर विजयपुर गांव और देखे उसी गांव में एक पंडित रहती है, पंडित रहते हैं और पंडित देखे अपने बच्चे को लेकर के आती है और गांव की औरतें अपने अपने बच्चे को लेती है, देखे आगे कहानी क्या होती है। आरू दीदी नमस्ते। नमस्ते मैडम, आज दोनों ठीक है? आज तो ठीक है, भाई बताइए अभी तक पंचन का क्यों नहीं जाना? अरे छोड़ कैया तो आए गए, अरे आगे कभी तक कैया पंडितन का की पास हुई चित्रे क्या बात है चित्रे तुम तो बच्चे ठीक है ना? हाँ काकी, क्या बात? आज हमारे भैया पता नहीं कहा है ये हुआ तीन रोज हो गए टट्टी नहीं की से। टट्टी नहीं किया? हाँ टट्टी नहीं की से, हमारे घर तीन चली जाते हैं पेपरमिंट का ब्याज ही ना है और ये हुआ तीन रोज हो गए का। हाँ जहाँ वो सोचता है और दूध बहुत भी है, दूध भी टट्टी नहीं करता? हाँ टट्टी नहीं करा था। अरे कोई ऐसी दवाई करा जो कोई रुकी तक आ, देखो सूखा दूध पिया हो तो सूखा है डिब्बा में। अरे वही तो नहीं, अब डिब्बा में यहाँ तुम्हारी घर चल गई तो दुआ तो ले हुई बिल्कुल सबके उठ के दूध नहीं हुआ तो कमजोर पड़ गई, नौ नौ ग्यारह ग्यारह लड़का पैदा नहीं भैया रे भैया देखो पंडितन का की आज ना जाने क्या आती बच्चे बच्चे होते हैं, देखो इनके तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा बोली भी सुना। अच्छा Thank you.
का प्यार से नाच लेते हैं। Yeah.
बजे पाल के हिला के कर दिया अरे ओ साला कन्या भी मत दे
और उसके साथ एक शकरिया थी, एक शाली महिंदर वाली और भी बहुत ठीक है, क्या कभी मिलती है ओशाली बस्ती में बैठी अभी और इसी के साथ साथ आपके श्रीमान दुआ यह तरुआ जानवर के बाद नंद और कहते हैं सागर सिंह और जानकर इस तरीके से अत्याचार ना करो, अगर हमारा अत्याचार शुरू होगा तो यहाँ रुक नहीं सकते। ये हमारे कंपनी वाली कोई तो 100 रुपए इनाम देते पार्टी लाख लाख बनवा सारा सिंह कहिए क्या बोला भाई इस साल हालात में रखो मोदी मोदी करके दरबार चालू कर दो सिद्धान बच्चा सवाल और कंजा साले उसको पकड़ के ना साले को आज निकालना कोई अंतर सोच लो अभी हम बच्चे के काल है फिर नौजवानों के काल हो गए और सबसे पहले तो कल्लू हंडी के हो गए आप यही हद अब सोची है बाबूजी
अपने भैया की आई बात नहीं करी आई रे भैया आपने नहीं करी आई। अरे रात दे आपने न रोक भैया, अरे रात दे ओ जी भैया इके लड़का का इके भौजी आज लड़का कैसी कहे मारी रे भौजी। हाँ यार तो बात सही है भौजी। हाँ अब हम चले नहीं लड़के का गांव का बंद बंद करी और तुम अच्छे चलो घर में अपने अपने खबर कर दियो कि ठाकुर ज्वाला सिंह सब गांव के लड़का मारे डर तो पर लड़का बचाए बचाए रखियो रे घर में। चलो भैया और दिल का खिलौना मेरे Thank you.
है और पहला बच्चा पंडित बच्चे को लेकर के भाग जाती है। एक बच्चा पंडित के पास है और दूसरा बच्चा शंकर पांडे के पास, और देखो पंडित दूसरे बच्चे को लेकर के आते हैं। तेरा बच्चा
हो गया है। मेरे पास कोई हालात नहीं है ठाकुर साहब, कोई हालात नहीं है। निर्देश सचिव बोलता है, हम और अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसकी गोद में उसके ना उसकी बीवी की गोद में बच्चा था। चलो उसकी बीवी का पीछा करते हैं। नहीं, 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 नहीं